Good morning, friends. Welcome to DSS online classes. In the previous class, we have studied that what are perpendicular lines and what is perpendicular bisector. In exercise 5.5, आज हम ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ट्रायंगल किस तरह का फिगर होता है और उसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं उनके आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज द पॉलीगन। पॉलीगन आप जानते होंगे बच्चों, पॉलीगन इज अ फिगर विच इज मेड ऑन अ प्लेन। पॉलीगन एक तरह का प्लेन फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट्स के द्वारा घिरे होने से बनता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट्स व्हेन दे आर क्लोजली जॉइंट ईच अदर। जब लाइन सेगमेंट एक दूसरे को घेरेंगे और क्लोज फिगर फॉर्म करेंगे तो वो पॉलीगन फॉर्म होगा। किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए मिनिमम हमको तीन लाइन सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉलीगन हो जाएगा जिसमें सबसे कम नंबर साइड के होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। द पॉलीगन विच है लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल देयर आर नंबर ऑफ थ्री साइड्स, देयर आर थ्री साइड्स इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, इसीलिए इसमें लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन कहा जाता है। किसको? ट्रायंगल को। फोर साइड्स हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होते हैं तो वो लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स नहीं होंगे, वो ऐसा पॉलीगन नहीं होगा जिसमें सबसे कम साइड्स की संख्या है। लेकिन ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें साइड्स की संख्या सबसे कम होती है। तो सबसे छोटा पॉलीगन अगर हम बोले, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, तो कौन सा क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ट्रायंगल समझ में आ गया। जैसे कि यहां पे ए बी सी मैंने बनाया ट्रायंगल। ट्राई मतलब तीन और एंगल मतलब थ्री। एंगल मतलब द फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय द ओरिजिनेटर ओरिजिनेशन ऑफ फ्रॉम अ कॉमन वर्टेक्स वर्टिस। एंगल मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर में बताया था। तो ऐसा फिगर जिसको एंगल कहते हैं और ऐसा पॉलीगन जिसमें थ्री एंगल्स हो उसको ट्राई एंगल कहते हैं, ट्राई एंगल। ओके बच्चों, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, लेट्स सी। Types of triangle। Triangle को हम किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं? ठीक है, तो अगर कहीं भी एक ऐसा सिंबल बना हो मैथ में तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, triangle को इंडिकेट करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमें अब क्या पढ़ना है, triangles के टाइप, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ट्रायंगल ऑन द ट्रायंगल की प्रॉपर्टी साइड के बेसिस पे कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल are distributed in three categories। In three forms, sides के basis पे triangle को तीन part में distribute किया गया है।
पहला हमारा क्या है, फर्स्ट जो है हमारा वो स्केलिंग ट्रायंगल होता है। कौन सा बच्चों? स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स जो हो, तीनों में से कोई भी साइड इक्वल ना हो। सपोज हमने यहाँ पे ए बी सी कोई ट्रायंगल बनाया है, अगर साइड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी या फिर साइड ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी या फिर इज नॉट इक्वल टू बी सी, मतलब तीनों ही साइड एक दूसरे के इक्वल ना हो, तीनों में से कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल ना हो। सपोज यहां पे 3 सेंटीमीटर आएगा, ये अगर 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, मतलब तीनों ही साइड अगर इक्वल ना हो किसी ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल हमारा स्केलिंग ट्रायंगल कहलाता है। कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा बच्चों? इसके मतलब साइड के बेसिस पे ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको हम स्केलिंग ट्रायंगल कहेंगे। ओके, लेट्स सी द सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड व्हिच इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। दूसरा जो हमारा ट्रायंगल का टाइप आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइए देखते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल। लाइक इन दिस फिगर, इन दिस पॉलीगन एबीसी, एबी इक्वल्स टू एसी, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स कोई भी इक्वल हो उसको हम आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं। एक और चीज ध्यान दें, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है किसी ट्रायंगल में, तो उसके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये अगर आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? ए बी सी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे तीसरा टाइप जो ट्रायंगल का होता है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है? थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल का और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि आपको आगे पढ़ना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी बनाया। ओके, अगर ए बी साइड और बी सी और ए सी तीनों आपस में इक्वल हो, ए बी इक्वल टू ए सी या फिर यहाँ बी सी लिख दे रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूटिव वे में, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, देन अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? इज अ एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये तो ट्रायंगल का टाइप था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। तो यहां पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा बच्चों, या फिर एंगल ए को आप कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी को ए सी बी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी थी
अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल इक्वल होते हैं। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, इक्वल साइड्स के आमने सामने के एंगल्स, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके लेट्स सी द अदर टाइप। नाउ फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री फॉर्म्स। एंगल के बेसिस पे भी ट्रायंगल को हम तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला जो होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। तो बच्चों तीनों एंगल्स अगर 90 से छोटे के होते हैं, इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल 90 से छोटे के होंगे, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा जो हमारा टाइप है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी एक एंगल किसी ट्रायंगल में, अगर कोई भी एक एंगल किसी ट्रायंगल में, सपोज दैट एक ट्रायंगल है और ये एक एंगल है और ये 90 डिग्री से बड़ा है, मान लो ये 130 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये ए बी सी ट्रायंगल, तो अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो ऐसे एंगल को ट्रायंगल को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो ए बी सी हमारा कैसे ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो तो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप है हमारा ट्रायंगल का बच्चों, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों। इफ इन अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो हमारा वो ट्रायंगल कितने का, कौन सा ट्रायंगल हो जाता है एंगल के बेसिस पे, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। यहां इस ट्रायंगल की ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल का, ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। तो ये ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों। अब इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं ट्रायंगल के अंदर जो कि हमें आगे पढ़ना है। इसके बाद इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बेसिस पे हमें अपना एक्सरसाइज सॉल्व करना है जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।